धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अभी अभी हमने कुछ महाराज जी से बहुत अच्छी सुंदर बातें सुनी, गुरु की व्याख्या भी सुनी, प्रश्न के उत्तर भी सुने और ये अनायास लाभ हमें मिल गया। इसके लिए हम गोस्वामी जी के बहुत आभारी हैं। डॉक्टर ओपीएन कल्ला के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने यह मुझे अवसर दिया। जैसा उन्होंने कहा, 20 साल से यहाँ आने की बात चल रही थी पर कुछ न कुछ कारण से आना नहीं हो पाया, तो बड़ी प्रसन्नता है यहाँ पर आप लोगों से मिल करके। वैसे ओपीएन कल्ला जी भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे, न केवल देश के बल्कि विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आपको मालूम होगा इसरो ने जब सबसे पहले जैसे ट्रेड भेजा था उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पूरे विश्व में प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं और अभी भी वो लगे हुए, इस उम्र में भी वो साइंटिस्ट के हिसाब से कंसल्टेंसी करते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसीज को कंसल्टेशन करते हैं। तो हमारा एक और अनोखा संबंध है, जब वो अहमदाबाद में थे तो हमारा उनका घर हमारा सेंटर था। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं विलंब होने के लिए। ये पूरा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। डिट्रॉइट में जब था 2010 में, जब मेरी पहली यात्रा अमेरिका की, तो वहां पर 6 सप्ताह के भीतर में सब जगह जहां जहां स्वामी विवेकानंद गए थे उनके पद चिन्हों पर जाने का प्रयत्न कर रहा था। तो डिट्रॉइट में जहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे वो जगह देखने के लिए मुझे वहां पर जो हमारे भक्त थे ले गए। शाम को 6 बजे लेक्चर था डिट्रॉइट में प्राइवेट सेंटर, जैसे यहाँ ये प्राइवेट सेंटर है। हमारे 2 प्रकार के सेंटर है जैसे आप जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, 1897 में। तो उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनके गुरु शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो मंत्र उन्होंने दिया था उसको प्रतिफलित करने के लिए उसके अभी 190 ब्रांचेस हैं सारे विश्व में। तो उसमें से 50 विदेश में है, 140 भारत में है और उसके अलावा 1000 सेंटर ऐसे जिनका संचालन हम लोग नहीं करते, हमारे भक्त चलाते हैं, जिसको कि हम भाव प्रचारी परिषद के माध्यम से उसको हम अनौपचारिक केंद्रों को संचालन करने का प्रयास